ये बेल्ट बताओ 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 कितने का है, कितने का है, कितने का है? हाँ, अब हम आपको बताते हैं, बैठ जाओ। 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, हर माल 4 रुपया। सबसे पहले ये बेल्ट बताओ 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 कितने का है, कितने का है, कितने का है? हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर ब्लॉग। आई थिंक मैं ब्लॉग बहुत दिन बाद कर रही हूँ और मैं ब्लॉग को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और हम लोग सैटरडे संडे फ्राइडे कहीं भी नहीं गए, है ना, जिम के अलावा। कहीं भी नहीं गए पर बहुत गर्मी थी। हाँ, एक्चुअली बहुत गर्मी थी। हमारा सिर्फ पंखे के सामने दोनों बैठे हुए थे और टीवी देख रहे थे, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे थे, तो ज़्यादा कुछ दिखाने था नहीं थे, इसलिए हमने ब्लॉगिंग नहीं करी। पर आज हम लोग जा रहे हैं डिकैथलॉन, बिकॉज बाहर बहुत मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और चलो मेरे साथ कुछ कुछ खरीदते हैं चल के वहाँ से। चलो और वहीं देखो क्या होने वाला है। बहुत ही ज्यादा तेज एसी कर रहा है, थोड़ा इधर उधर कर दो उसके ब्लेड्स। हाँ, उस दिन बहुत ज्यादा चला लिया था ना, तो स्लो कर देता हूँ। हम जा रहे हैं डिकैथलॉन। हाँ, तो डिकैथलॉन जो है वो स्पोर्ट्स ब्रांड है। स्पोर्ट्स आई थिंक हमारे इंडिया में तो सभी लोगों को पता है, यहाँ के लोगों को भी ऑफकोर्स पता होगा। तो डिकैथलॉन में थोड़ा स्पोर्ट्स वेयर जो होते हैं वो थोड़े रीजनेबल रेट्स पे मिल जाते हैं, पर वो थोड़ी सी दूर है, लाइक दूसरे टाउन में है, दूसरी सिटी में है। तो यहाँ पर सबसे पास जो सिटी है उसका नाम है आर्लिन, जो हमारी जो सिटी है उससे तो बड़ी है, पर बहुत पास में है, 20 मिनट लगते हैं। हाँ, लाइक 18 किलोमीटर दिखा रहा है, 20 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम लोगों की दो चीज़ें हो जाएगी, एक तो हम लोग बाहर घूम लेंगे जो हम इतने दिन से नहीं घूम रहे थे बिकॉज ऑफ गर्मी, और दूसरी बात हम लोगों को स्पोर्ट्स वेयर खरीदने थे। तो आई एम होपिंग कि सब कुछ अच्छा मिल जाए वहाँ पर, है ना दीपक? यस। और तुम बताओ ये कि ये तुम्हें न्यू हॉबी कौन सी स्टार्ट हुई है WWE वाली देखने की? मतलब तीन दिन से WWE देख रहा है। मेरे को याद है मैं जब छोटी थी तो मेरे भैया दो भाई है मेरे, तो मेरा दोनों भाई लोग जो है पूरे टाइम WWE देखते थे, और उस टाइम पे एक ही टीवी हुआ करती थी घर में, और वो मेरे दिमाग खा जाते थे वो देख देख के। और मुझे भी उसका चश्मा लग गया था थोड़े टाइम बाद, लाइक मैं बहुत सारे जो WWE में जो लोग रेसलिंग करते थे उन लोगों को जानने लगी थी। अब दीपक ने वो फिर से शुरू किया है। अरे मैं बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ वो पुराने वीडियोस, बहुत मजा आ रहा था। और मैं अभी किसी आने वाले मोड में हूँ क्योंकि मैं फिर से उसी जोन में चली गई जब मुझे वो देख देख के गुस्सा आता था, ये भगवान WWE। आई थिंक थोड़े दिन बाद मुझे भी इंटरेस्ट आने लगेगा। आना तो चाहिए, क्योंकि YouTube पे अगर कोई वीडियोस देखते हैं तो उससे रिलेटेड रिकमेंड करने लगता है, फिर वो लाइन लग गई, उसके बाद एक के बाद एक आने लगे, और इंटरेस्ट तो है ही उसमें मुझे। मुझे क्या, 90% लड़कों को होता ही है WWE में इंटरेस्ट। समर हाउस रहते हैं ना लोगों के, यहाँ पर पड़े रहते हैं लोग, ये तो सुंदर है। और ये है ना, ये सब लोगों ने बना के रखे थे, ये सब छोटे छोटे समर हाउस, खाना पीना ले आते हैं, यहाँ पड़े रहते हैं। अच्छा गाइस एक चीज़ और, मुझे मैंने कुछ स्पॉन्सर वीडियो करे और आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हो कि ऐसा क्यों, आप पैसे कमाने के लिए ये सब कर रही हो, या जो जॉइन बटन दिख रहा है उसकी वजह से आप लोग मुझसे बोल रहे हो। तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जॉइन बटन तो गलती से हुआ है मुझसे, मैं नहीं करना चाहती थी और अब वो चेंज नहीं हो रहा, मैंने सारी कोशिश कर ली। अबाउट स्पॉन्सर तो दीपक थोड़ा तुम बताओ।
यार देखो ऐसा है कि ऑब्वियसली कोई भी वीडियोस बनाते हैं घूमते फिरते हैं तो उसमें यार पैसा तो लगता है, बिना फ्री में तो कुछ होता नहीं है। तो जब आपको स्पॉन्सर वीडियोस मिलते हैं तो ऑब्वियसली उनका नाम तो लेना पड़ता है अगर आप उनके लिए पैसे ले रहे हो उनसे। और एंड ऑफ द डे यार हर आदमी जी तो पैसे कमाने के लिए ही रहा है यार। अगर आपको हम घूमने जा रहे हैं कहीं, आपके लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं, कैमरेज खरीद रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो पैसा तो लगता है। और अगर कोई स्पॉन्सरशिप दे रहा है उस वीडियो के लिए तो ऑब्वियसली हमें नाम तो लेना ही पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी चलती है दुनिया। और हम तो रिकमेंड कर रहे हैं, देखो अब मैं पूरे लोगों, अब जो इंडिया के लोग हैं आई डोंट नो वो लोग बुरा क्यों मानते हैं और मुझे ऐसे कमेंट क्यों करते हैं। अभी आप सोचो हम लोग कहीं पर भी घूमने जा रहे हैं, आपको वीडियोस बना रहे हैं, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रही हूँ, पैसे भी बहुत सारे खर्च होते हैं वीडियो बनाने में, और उसके बाद फिर आपको देखने में मज़ा आता है, तो अब मेरा कहीं ना कहीं से तो फायदा होना चाहिए हम लोगों का, तो वो होता है स्पॉन्सर वीडियो के थ्रू। ऑब्वियसली आपको या तो आपको यूट्यूब से इतना पैसा मिल रहा हो कि आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो उतना पैसा नहीं मिलता यूट्यूब से, तो ऑब्वियसली स्पॉन्सर वीडियोस बनाने पड़ते हैं यार, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है यार। इसका तो कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं गाइस, तो जस्ट बियर विद दैट। और आप अगर चाहते हो कि मैं यूट्यूब से भी ज़्यादा पैसा कमाऊँ तो जो एड्स आते हैं वो स्किप मत करना। सिंपल सी बात है। चलो हम लोग जाते हैं, एक्चुअली पहुँचने ही वाले। आज तो भयंकर तेज हवा चल रही है, गाड़ी हिल रही है। ऑटोबान में तीन लेन होती है जनरली, दो लेन है फेडरल हाईवे से। पहुंच गए हैं डिकेटर, और बहुत तेज, जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो आई थिंक पार्किंग तो वैसी है। ये वाली गाड़ी दीपा, एक्चुअली मैं बहुत दिन बाद टिकट लॉन आ रही हूँ, पर अच्छा लग रहा है। टिकट लॉन से बहुत सारी यादें ताज़ा हैं। टिकट लॉन तो मैं भी बहुत, मैंने अपनी इंटर्नशिप टिकट लॉन से करी थी, तो ऑब्वियसली ट्रॉली ले लूँ क्या? ले लो अगर ज़्यादा सामान लेना है, ले लो, आई थिंक इम्पोर्टेंट होगा। हाँ बास्केट ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। बहरा गया बैंड लेना है, प्लास्टिक बैंड। किस चीज़ के लिए? स्ट्रेचिंग के लिए। ले लो। मुझे बोल रही है सर भी खुद लगी है पगलाई सर भी। मिला कुछ? ट्राई करूँगी अभी तो। ओके। बहुत दिन बाद पहन के तो स्पोर्ट्स के फिट वाले कपड़े दिख रहे हैं। हाँ। देख रहा हूँ।
मैंने तुम तो सुरभि के देखो ऐसा लग रहा है WWE में बेल्ट जीत के आई है, कंधे पे टांग के घूम रही थी। आजा अभी हम लोग आपको प्राइस बताते हैं वहां पर जाके गाड़ी में चल के, गाड़ी में नहीं गाड़ी के बाहर। हां हां मतलब गाड़ी के पास चल के मस्त है, गजब मौसम हो रहा है, ये अच्छा है। एक्चुअली कितना अच्छा मौसम हो रहा है, मजा आ रहा है यहाँ, और बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस है। आई थिंक डिकैथलॉन ही एक ऐसी जगह है जहाँ इतना बड़ा पार्किंग स्पेस होता है, और अगर आपको स्पोर्ट्स वेयर कम पैसों में ख़रीदना है तो डिकैथलॉन जो है वो सबसे अच्छा है। एडिडास वगैरह जो होते हैं वो थोड़े से महंगे आते हैं, पर एक आश्चर्य की बात ये थी कि इसके अंदर एडिडास और नाइकी के भी कपड़े थे जो मैंने पहली बार देखा है। अब आ जाओ, क्या क्या लिया हमने। हाँ अब हम आपको बताते हैं, बैठ जाओ। 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, हर माल 4 रुपए। सबसे पहले ये बेल्ट, ये बेल्ट बताओ 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 कितने का है, कितने का है, कितने का है, कितने का है? ये बेल्ट है 18 यूरो का। 18 यूरो, 18 × 83 करो, मतलब 1400-1500 का मान लो। 1500 थिकनेस वाला बढ़िया बेल्ट है, 1500 का है। दीपक जब वेट उठाता है तो प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मतलब आइटम ये रिस्ट बैंड। हाँ रिस्ट बैंड, क्योंकि ये रिस्ट जो है वो दीपक बहुत ज्यादा वेट उठाता है, तो इस वजह से चोच ले। ये बैंड तो पता ही नहीं कितने का है, कितने का है? 8 यूरो का, 650 रुपए, 650 रुपए का। ओके, प्रोटीन बार 2 रुपए की, मतलब 160 रुपए, 160 रुपए की प्रोटीन बार। सुरभि का लोअर कितने का है? 16 यूरो, 16 यूरो का मेरा लोअर है, मतलब कि अराउंड 1000 रुपए के आसपास, 1000 रुपए के, पर बहुत अच्छा है, मतलब 1000 रुपए के हिसाब से आई एम जस्ट सेटिस्फाइड विद दिस लोअर। एक टी शर्ट सुरभि की, ये बहुत ही बेसिक ब्लैक कलर की टी शर्ट है, कितनी? 4 यूरो है ना, मतलब 350 रुपए, 350 यूरो, ये भी सेम 350 के आसपास। ये रेड कलर की बहुत प्यारी सी, ये शायद 8 यूरो की है, ये 8 यूरो की है। तो ये कॉटन की 640-650 रुपीस की है। ये मेरा एक शॉर्ट, दीपक का शॉर्ट जो है 9 यूरो का, मतलब 750 रुपए। तो पूरा टोटल कितना हो गया? टोटल हुआ है 66 यूरो, मतलब की 5000 रुपए की शॉपिंग हो गई। मजाक मजाक में, चलो यार मैं आपको थोड़ी येलो गाड़ी दिखाती हूँ। तुम दीपक मुझे भी खाना है, मैं आ रही हूँ। ये देखो, ये एक गाड़ी है, पता नहीं कौन सी है, ये BMW है। और यहाँ ऐसे BMW वगैरह तो ऐसा लगता है जैसे सुजुकी मारुति वगैरह हो, स्विफ्ट वगैरह हो। मैं दीपक से वो ही बोल रही थी कि BMW और ऑडी की तो कोई वो ही नहीं है। ये देखो, जब तक आ रहा है और मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने सोचा मैं आप लोगों को बाय बाय बोल दूँ। सो बाय बाय, ये वीडियो कैसा लगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ के बारे में मिली या नहीं मिली,
ज़रूर नीचे कमेंट करना, अच्छा कमेंट, बुरा कमेंट, जो भी कमेंट है सारे कमेंट करना, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. जाने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना. सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो ये रेड बटन है ये क्लिक करनी है. इन केस आपने गूगल अकाउंट से लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन कर लेना. वो आपसे आपका बेसिकली यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, जिसमें डरने की कोई बात नहीं. अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लिया, मतलब ग्रे बटन दब गया. और हाँ, ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको मेरे वीडियोस कब आए ये पता ही नहीं चलेगा. तो जो बेल की घंटी है वो ज़रूर दबाना, और लाइक करना मत भूलना गाइस.